हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज ट्रैक जा रहा था, अगर मिनी ब्लॉग देखते हो तो पता होगा। और बहुत सारे सब लोग एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा है ना। पहली सीट पे बैठ गई, मैंने कहा यार पीछे बैठूंगी उल्टी उल्टी होगी, नहीं मतलब नहीं कर सकते इतना झेल नहीं सकते। तो नाउ वी आर रेडी और हम जा रहे हैं। सो चंदन फोर्ट जा रहे हैं एज पर इंस्ट्रक्शन, जो सातारा में पड़ता है, जो यहाँ से अभी 3 घंटा लेगा जाने में। तो तब तक मेरे बगल में समय है मेरी साथी वरदा और बाकी सब तो यहाँ बैठे हैं। ओके, सारे पीछे हैं, मिलेंगे हम इकट्ठे। अभी देखो जैसे जैसे होगा वैसे। मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है तो थोड़ा अभी देख रहे, मैनेज करेंगे, कुछ खावा लेंगे और उसके बाद दवाई ले लेंगे, देखते हैं। और सूरज अभी उग रहा है, 5:30 बजे बुलाया था, 6:30 बजे निकल रहे हैं लोग। कोई बात नहीं, अपने जैसे डिसिप्लिन थोड़ी होते हैं सारे, है ना। चलो चलते हैं साथ में। में ब्रेकफास्ट करने के लिए सबने अपना अपना मेन्यू मंगा लिया है, लाइक कुछ कुछ मंगा लिया है। मैंने डोसा मंगाया, बाकी लोगों ने इडली पोहा और वगैरह वगैरह। और किस किस की बाकी चाय आप पी के आगे चलते हैं। तो ब्रेकफास्ट हो गया है और अगले 20 मिनट में वील रीच द डेस्टिनेशन और फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रैकिंग। और अभी तो खाना बिल्कुल, मतलब बोला गया था कम ही खाना उस हिसाब से, क्योंकि चढ़ना है। ठीक है, एक डोसा खाया मैंने और वरदा ने 2 इडलियाँ। चल चलते हैं। चंदन और हम लोग अभी अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे, तो उसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस है, वो प्लीज़ ध्यान से सुन लेना। ये एक हिस्टोरिकली बहुत सिग्निफिकेंट प्लेस है, तो यहाँ पे कोई भी कचरा नहीं करेगा। जो भी रैपर्स वगैरह है वो सब अपने साथ लेके आपकी बैग्स में कैरी करके कॉलेज में जाके डंप करेंगे हम लोग। ओके, वहाँ पे ऊपर पूरा एक्सपोज रॉक है, तो वहाँ पे हनीबीज की कॉम्स होने का चांस है। तो वहाँ जाने के बाद कोई भी बहुत ज़ोर से आवाज़ में ज़ोर से बात नहीं करेगा, क्योंकि उससे हनीबीज एग्रीवेट हो सकती है। सैनिटाइजर्स वगैरह, डिओड्रेंट सेंट्स किसी ने कैरी किया है तो प्लीज़ उसे अभी अप्लाई मत करना, उसके सेंट से हनीबीज एग्रीवेट हो सकती है। किसी भी एक की वजह से पूरे ग्रुप को प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, हम सब लोग यहाँ पे क्वालिफाइड है रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए, पर प्लीज़ ऐसी नौबत ना आए, इसका ध्यान आप सबको रखना है। ईयरफोन्स कोई भी नहीं पहनेगा, अपने सारे सेंसेस ओपन रखना। ऊपर से रॉकफॉल हो सकता है, गलती से ऊपर से कोई पत्थर वगैरह गिर रहा है और अगर आपको उसकी आवाज़ सुनाई ना दे, उसकी वजह से दैट सिचुएशन कैन बी लीथल। ओके, जान जा सकती है, ऐसे सिचुएशंस हमने देखी है। ओके, सो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। वेदर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटिंग है, तो एटलीस्ट 2 लीटर पानी तो कैरी करके स्टार्ट विद द ट्रैक। ऑलमोस्ट हाफ, बट भाई साहब हालत डाउन है। एंड दिस ऑल्सो हैपेंस आई थिंक जब आपका एक्सरसाइज नहीं चालू होता है। हाँ,
टायर्ड सर. यू वांट टू से समथिंग? इट्स गुड, वेरी एक्साइटिंग. सर आपको थकान हो रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. डेली बेसिस पे आप वर्कआउट करते हैं सर? नहीं करता हूं, कभी-कभी कर लेता हूं. बट स्टिल हो नहीं रही थी. ओपिनियन जान ले. ऑब्वियसली यू आर कमिंग कमिंग. अच्छा है अभी तो सफर, मुझे लगता है आधी से ज्यादा बाकी है. लेकिन बच्चे काफी थके हुए दिखते हैं. हां सर पर के वैशाली. हां अरे सर या यू वांट टू से समथिंग? आई एम डेड. आई वांट टू जंप एंड आई वांट टू लिव माय लाइफ. जंप करके हेवन में? हां फिर भाई जन्नत में कौन मना करेगा. अच्छा वरदा यू वांट टू से समथिंग? गुड. थकान हो रही है आपको? प्लीज टैग मी इन दिस वीडियो. बहुत मेहनत करती हूं. बहुत गर्मी है. श्योर तुम्हारा भी YouTube चैनल है? नहीं भाई नाम ले लेना. हाँ ठीक है. गर्मी है बहुत. गर्मी है. ओके गाइस गर्मी होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा समझ आ रही है, लेकिन ज़्यादा मेहनत लग रही है. मेहनत अदरवाइज शायद इतना मुश्किल ना हो. चलो भी चलते हैं. थक गई बेचारी ब्लॉक करते करते. चलो 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 गाइज बस इतना ही. इत्तु सा है? नहीं नहीं इत्तु सा नहीं है. 50 मिनट का ट्रेन का चल रही हूँ मैं. दिखाती हूँ मैं रास्ता कैसा है वो भी दिखाती हूँ. Guys, we have reached the destination जहाँ पे हमको पहुँचना था. ये बरगद का पेड़ है जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं. मैंने तो पहली बार ट्रैक किया है like, और मेरे को ऐसा लगता है और ये आखिरी ही है. इसके बाद आई वॉन्ट. मुश्किल लग रहा है. हमको लगा कि वहाँ पे एंडिंग है जहाँ पे हम बैठे थे, बट नो अभी भी और आगे ले जा रहे हैं. और समझ ही नहीं आता, मतलब ट्रैकिंग में तो मुझे ऐसा लगता है कि समझ ही नहीं आता कि आपका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है. आपको पता नहीं होता है, आपको जो लेके जा रहे हैं उनको पता होता है. एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग. हमको पता ही नहीं, हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको. बाकी सिर्फ चलना है, सिर्फ चलना है. और जब आपको पता ही नहीं होता ना कितने दूर चलना है तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, ना ही मोटिवेशन आता है इस चीज़ का ना. एक और बात, हमको ना ये भी बोला गया कि शोर कम मचाइएगा, प्लास्टिक बॉटल की आवाज़ मत करिएगा. रीज़न है वो ये कि मधुमक्खियाँ हैं यहाँ और हाई चांसेस हैं कि जो मधुमक्खी अपने छत्ते से निकल सकती हैं आवाज़ सुनकर. तो बोला गया है कि थोड़ी शांति बनाए रखें, बिल्कुल आवाज़ नहीं करना है, चिल्लम चो नहीं मचाना है, हल्ला नहीं मचाना है, आराम से चलेंगे तो हो पाएगा, नहीं तो मधुमक्खियों का छत्ता जो है बड़ा सा वो कभी भी एग्रेसिव हो सकता है. तो अभी चल रहे हैं. अभी भी कोई संभावना यानी संकेत या कुछ भी जो भी कहो, एक रे ऑफ लाइट दिखाई नहीं दे रही कहाँ जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं. एक चीज़ जो सबसे बढ़िया लग रही है वो है, एक तो मेरा कैमरा का ये ट्राइपॉड हिल डुल गया एकदम. हाँ तो मैं कह रही थी कि एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है यहाँ से वो है ये नीचे का व्यू. बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक ऐसा लग रहा है आर्किटेक्चर किया हुआ एकदम, कोई कलाकारी की हुई है. मैं दिखाती हूँ. आई डोंट थिंक सो कि वीडियो जस्टिस कर पाएगा जितना ये अच्छा लग रहा है भाई. अच्छा फिर भी आई विल शो यू. गडर हा संग्रामगड, जेव्हा महाराजांनी हा किल्ला अफजलखानाच्या वधानंतर घेतला त्यानंतर ह्या किल्ल्याचे नाव बदलून चंदनवंदन हे नाव ठेवलं. ॲक्च्युली ह्या किल्ल्याचे ह्या दोन्ही किल्ल्याची हिस्ट्री 12व्या शतकापासून आहे. थोडं स्पेस दे, मध्ये थोडं गॅप दे, मैं ट्रान्सलेट करेन. ट्रान्सलेट अभी इन्होंने जो बताया, अभी हम लोग हैं चंदनगढ़ पे
एंड ये जो दूसरा वाला जो आप साइड में देख रहे हैं मेरे लेफ्ट में, दैट इज वंदनगढ़ एंड दीज आर ट्विन फोर्ट्स. और इनका अभी ये जो शिवाजी महाराज ने जब कैप्चर किया ये मुगलों के पास से, तो तभी इनका नाम रखा था चंदन एंड वंदन. उसके पहले इसका नाम था सूरगढ़ एंड संग्रामगढ़. आगे अभी हा किल्ला 11व्या ते 12व्या शतकापासून आहे. जेव्हा महाराजांनी प्रतापगडची लढाई, सगळ्यांना माहीत असेल अफजलखानासोबत, अफजलखानाला मारल्यानंतर 10 नोव्हेंबर 1659 अफजलखानाला मारल्यानंतर महाराजांनी हे दोन्ही किल्ले दुसऱ्या दिवशी घेतलेले. ॲक्च्युली त्यावेळेस प्रतापगडला अफजलखानाला मारल्यानंतर महाराजांनी पन्हाळेपर्यंतची जी 15 दिवसाची घोडदौड केली, त्या पिरियडमध्ये महाराजांच्या हातात फक्त आधी 12 किल्ले होते, तिथून पुढे महाराजांच्या हातात टोटल 42 किल्ले गेलेले. तो अभी लक्षात राहील का? आय विल ट्राय टू. जब प्रतापगड गड की जो लढाई हुई थी बिटवीन शिवाजी महाराज एंड अफजल खान, एंड उसी टाइम उन्होंने नेक्स्ट डे ये दो जो फोर्ट्स हैं वो कैप्चर कर लिए थे. तो ये जो अभी पूरी रेंज है, तो यहाँ पे उनके पास पहले प्रतापगढ़ से लेके पन्हाड़ा तक सिर्फ 12 फोर्ट्स थे, फिर उसके बाद उन्होंने ऑलमोस्ट 42 फोर्ट्स कैप्चर किए थे. अफजल खान यह प्रांत का सुभेदार होता. वाई प्रांत आता हा पूर्ण एरिया आता अपन जो जिथे उभे आता ऐक्चुअली डिवाइड झालेले, पण पहिला हा वाई प्रांत मध्ये येत होता. अफजल खान वाई प्रांताचा सुभेदार होता. वाई प्रांत सांगली जिल्ह्यापर्यंत, आणि तुम्ही बघायला गेला तर कोरेगाव पोशेगाव पूर्ण पट्टा वाई प्रांतामध्ये येत होता. त्यामुळे महाराजांना हे सगळ्यात सोपं झालं की अफजल खानाला मारला. अफजल खानाला मारल्यानंतर त्याचं जे जे किल्ल्यांवर सैन्य होतं ते पूर्ण पळून गेलं. आणि हे असे महाराजांच्या किल्ले, जसे पुढं जाईल तसे किल्ले महाराजांच्या पन्हाळ्यापर्यंत पूर्ण ताब्यात आले. आणि तिथून पुढं आदिलशाही पूर्ण संपली आणि महाराजांना तिथून पुढे ग्रीप भेटली. तिथून पुढे मग स्वराज्य एकदम, स्वराज्याचा विस्तार एकदम पटपट वाढत गेलेला आहे. तो अभी वो उन्होंने जो बताया कि यहाँ से अभी देर आर डिफरेंट रीजन्स नाउ, बट पहले यहाँ से पूरा सांगली का, सांगली डिस्ट्रिक्ट का जो पूरा एरिया है दैट वॉज ऑल वाई प्रांत. तो जब उन्होंने अफजल खान को मारा तो द होल रीजन ऑलमोस्ट लाइक दे कैप्चर्ड इट ऑलमोस्ट, क्योंकि अफजल खान को मारने के बाद उसका जो पूरा आर्मी जो था वो भाग गया ऑलमोस्ट इस पूरे रीजन से. एंड उसके वजह से उनका जो पूरा क्या बोलते स्वराज्य, टेरिटरी, टेरिटरी जो हुआ था वो दैट बिकेम स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ दैट. आपण स्वराज्य, आपण इथल्या आसपासच्या किल्ल्यांची थोडी माहिती घेऊ. हा समोर जो दिसतोय बरोबर तुमच्या बॅक साइडला, तो वैराटगड, दॅट इज वैराटगड, वैराटगड, हा वैराटगड. आता पांडवगड दिसत नाही, पण सगळ्यात ह्या भागातला जुना किल्ला पांडवगड आहे. ऍक्च्युली आता तो धोक्यामध्ये, तो दिसणार यहाँ पे अभी हेज है उसके वजह से पांडवगड नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे पांडवगड हा साधारण दुसऱ्या ते तिसऱ्या शतकापासूनचा किल्ला आहे. इकडे हा बॅक साइडला पवन चक्क्यांच्या बॅक साइडला बरोबर जो प्लेन पठार दिसतोय तो कल्याणगड, वो जो है कल्याणगड. ओके, प्लेन जो है ना वो पीछे वाला, अभी वो सीधा दिख रहा है क्या आगे वाला, वो प्लेन प्लेटू दिख रहा है. बैक पीछे वाला, पीछे वाला प्लेटू वो अजिंक्य तारा फोर्ट है. अजिंक्य तारा, और ये जो आगे सामने दिख रहा है वो जरंडेश्वर है, वो भी वॉच टावर ही था उस समय का. ओके, तो ये जो दोनों फोर्ट्स है दीज आर लाइक वॉच टावर्स, दीज वर द वॉच टावर्स. तो यहाँ पे से पूरा मतलब जो ट्रेड रूट्स और जो भी थे उनके उस पे वॉच रखने के लिए बेसिकली ये दो, ये सारे फोर्ट्स थे. पहले का ट्रेड रूट था, अब अभी हम देश पे है, नीचे कोकन, कोकन से देश पे आने के लिए अलग रास्ते थे. वैसे अभी वाई जो शहर है वो पुराने समय का बड़ा व्यापारी का ठिकान था. व्यापार कर व्यापार वो बाहर से जो लोग आते थे उधर ही व्यापार करने के लिए ज़्यादा लोग आते थे. तो डोंगर असा एक सेपरेट बनलेला आहे, म्हणजे एक दंतकथा सांगते. जेव्हा हनुमानाने पर्वत उचलून नेलेला आपला, त्यावेळेस त्या दगडाचा एक पर्वतावरून एक दगड पडला आणि त्याचा तो झाले. मंदिर जिथे असा मिशीवाला हनुमान, मिशीवाला
ऍक्च्युअली तो सुद्धा टीएनजी साठी वापरलेला किल्ला आहे. त्याच्यावर अजून भरपूर अवशेष आहेत, सोन्याचे गाण्याचे अवशेष आहेत. खाली दरवाजा बॅक साईडला उतर राहिला आहेत. If you have any doubts, you can ask. Otherwise, we'll take a group photo and then guys, this was the last point that we reached. और यहीं पे आकर हमारा ट्रैक खत्म हो गया था. बहुत सारी चीजें सीखने मिली और अब हम जा रहे थे नीचे. बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारी हिस्ट्री जानी और ट्रैक जो है वो पहली बार किया था. इट वॉज फन. तो हो गया हमारा ट्रैक. अब हम उतर रहे हैं नीचे. ऑब्वियसली चढ़ने में जितना समय लगा उतना तो बिल्कुल नहीं लग रहा उतरने में. बहुत ही आसानी से उतर रहे हैं. बस ये है कि पैर दर्द हो रहे हैं थोड़ा. बट या ऑल गुड. एंड दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज. अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार. और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना. बाय.